मैं निकला था एक सफर पर मंजिल से कहीं दूर, रास्तों में अपनी किस्मत ढूंढने चल दिया मैं अपने घर से दूर। खुद को खुद से पहचाना मैंने सफर के एक मोड़ पर, फिर कर ली मोहब्बत इन वादियों से मैंने अपना ही दिल तोड़ कर। जाना था मुझे वहाँ जहाँ आसमां भी अपना लगे, बिछड़ गए जो अपने मुझसे अब गैर भी अपने लगे। ये देखिए, अभी हम जा रहे हैं तपोवन मलारी की साइड, तपोवन जहाँ से द्रोणागिरी पर्वत दिखता है। सो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे ये हॉट वाटर स्प्रिंग है एंड सामने वो द्रोणागिरी पर्वत है। जैसा आप देख सकते हैं ये का हॉट वाटर स्प्रिंग, देखिए यहाँ पे लोग अंडे उबालते हैं और धुएं निकल रहे हैं यहाँ पे इस पानी में से, बुलबुले उठ रहे हैं। ये भस से ज्यादा गर्म है इस टाइम पे और ये नीचे जाता है गंगा में जाके मिल जाता है। सीधा व्यू, ओ माय गॉड, अमेजिंग, दिस प्लेस इज अमेजिंग। सीरियसली आई वुड रिकमेंड यू ऑल कि आप जरूर आए, आप सब यहाँ पे, ये इतनी प्यारी जगह है ना, इतनी ज़्यादा सीनरिक व्यू है यहाँ पे, हद से ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हद से ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे इतने ज़्यादा खूबसूरत पहाड़, लाइक लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यूज़ हैं। आप देख सकते हैं कितना कितना साफ पानी है पीछे, ये अलकनंदा रिवर है, ब्यूटीफुल। ये आर्मी पर्सनल उसके ट्रक जा रहे हैं। ये सारे यहाँ पे जितने भी माउंटेन्स हैं ये सब 4000 मीटर्स प्लस हैं। ये है मलारी गांव एंड वहाँ पे देखिए आप आर्मी की वो चल रही है, जो कि मुझे आपको नहीं दिखाना चाहिए, बाय द वे ट्रेनिंग चल रही है।
बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वैली है ये। वाह, बहुत ही ज़्यादा ऊपर है वो, अराउंड 7000 मीटर्स पे। हाँ भाई अरसलान, हाउ डू यू फील नाउ? बहुत गजब, आज तक ऐसा वो नहीं देखा। मैं तो चाहता हूँ जितने भी हमारे मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरे जानने वाले हैं, जो भी ये वीडियो देखेंगे, वो एक बार ज़रूर आए। मैं मानता हूँ कि यहाँ रोड बन रही है, काम चल रहा है, रोड बहुत ख़राब है, लेकिन जोशीमठ के बाद जब आप चलोगे ना, आपको हेवन मिलेगा। ये यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, ये तो आर्मी चीफ जो है उनके वहाँ पे जाता है, बैरिकेड्स है ना, और जो होता है सोमा पॉइंट, एंड ये नीचे जा रहा है नीति के लिए, मलारी के लिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रोड ऐसी हो गई है। अक्सर हम ये सोच के रह जाते हैं कि एक सही वक्त आएगा जब हम घर से कहीं दूर जाएंगे। क्या खुद से कभी ये सवाल करा है कि हमारी ज़िंदगी यही है, जहाँ हो वहीं रहो? ये रास्ते, ये मंजर, ये क्यों बनाए गए? ये खूबसूरत नज़ारे, ये ठंडी हवाएं, ये ऊंची ऊंची वादियाँ, ये बस आपका ख्वाब ही है या सिर्फ मैं ही इनको महसूस कर सकता हूँ? तो ये उस सफ़र की कहानी है जो बेहद हसीन है, जहाँ सुकून है, वादियाँ हैं और सिर्फ मैं। वाओ, दिस इज हेवनली सीरियसली। कमशाली, यहाँ से नीति इज अराउंड 6 किलोमीटर ओनली। व्यूज आप देख सकते हैं, ऊपर चांद हमें इतना क्लियर दिख रहा है इस टाइम पे, बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हैं, चांद दिख रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ का वेदर इतना ज़्यादा साफ है। मैं ये कहता हूँ कि इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, सब लद्दाख स्पीति जाते हैं, कोई यहाँ क्यों नहीं आता अभी तक? आई थिंक ये बहुत बेटर है उनके लिए, एज अ कंटेंट क्रिएटर उन्हें यहाँ आना चाहिए एक बार। तो मैं कहूँगा निखिल मुंबईकर, जेसन फ्लेम्स, जट प्रभ, जो 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 भी यूट्यूबर्स फेमस हैं मोटर व्लॉगिंग के लिए एमएस के, वो सब यहाँ आएँ एक बार, व्लॉग बनाएँ यहाँ आके और उस प्लेस को एक्सप्लोर करें। एक जगह की नीड है कि यहाँ पे यूट्यूबर्स आएँ, उसको प्रमोट करें। हर कोई जो है लद्दाख और स्पीति की तरफ भागता है, कोई इधर आता ही नहीं, ये अनएक्सप्लोर्ड उत्तराखंड है। यहाँ एक बार आना चाहिए, आप लोग कर सकते हो, इस जगह को ज़रूरत है एक अच्छे प्रमोशन की बेसिकली। आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं, मोस्टली लोग मसूरी, धनौल्टी, ऐसी जगहों पे जाके इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, बट उनसे ये 10 times बेटर प्लेस है ऑनेस्टली। So we are in Niti right now and the views are beautiful. मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक दिन ये एहसास होगा कि ये ज़िंदगी यूं ही बीत गई, वो पल यूं ही सिमट गए, और उस एक लम्हे में मैं ये नहीं कहना चाहता कि काश मैंने वो पल जी लिए होते और उन्हें अपने सफ़र का हिस्सा बना लिया होता।
अगर इस ब्लॉग को पूरा देखते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए। एंड हम हैं इंडिया के लास्ट विलेज नीति, इसके आगे चाइना लग जाता है। एंड आप देख भी सकते हैं ये यहाँ पुलिस के वो लगे हैं बैरिकेड्स आगे। हवा देखिए, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। अरसलान का फोटो शूट हो रहा है, अभी भी मान नहीं रहा है अरसलान इतने फोटोज खिंचवा रहा है। यहाँ पर जगह ही ऐसी है, शाहिन खान करते हुए फोटोग्राफी। और आप हमारे सारे फोटोज़ को इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक भी है जो 7 days का है, अगर कोई जाना चाहे तो। ये ज़िंदगी बहुत कीमती है दोस्तों, तो जितना हो सकता है जी लो। क्या पता कल हो ना हो, और जो आज है वो कल ना हो।